Hello students, welcome back. Today we are going to continue our lecture, India Politics, Trend and Development. As earlier lecture, I have told you कि यही जो chapter है India Politics, Trend and Development, आपकी books में NCERT book हो या whatever the help book is with you, उसमें इसका नाम होगा Recent Development in Indian Politics, क्योंकि अभी तक इस चैप्टर का नाम था Recent Development in Indian Politics. सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं उसके साथ ही इसका नाम भी चेंज हो गया है और अब इस चैप्टर का नाम है इंडिया पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट्स. इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड रिगार्डिंग द अलायंस गवर्नमेंट एज वेल एज कोएलिशन एरा. कोएलिशन गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुई, अलायंसेस बननी कब से शुरू हुई, दैट ऑल वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द मंडल कमीशन. राइट, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर और बिफोर कमिंग टू द पॉइंट ऑन दैट टॉपिक मंडल कमीशन, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपको लगता है कि दैट दीज लेक्चर्स आर रियली बेनिफिशियल टू यू, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज लेक्चर्स. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से कि अब जो है, जो भी आपके अभी रिसेंट लेक्चर्स आपको अपडेट मिल रही है, इनमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, टॉपिक के डिस्कशन के बीच में और इन द मिड ऑफ, इन सम वीडियोज बीच बीच में दिए हुए हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक, एंड इन सम वीडियोज लास्ट में दिया गया है रीकैप, क्विक रीकैप. वो क्या है, दैट इज द योर रिविजन ऑफ वट एवर वी हैड वी डिस्कस इन द लेक्चर. लास्ट में वो रीकैप करने में आप तभी कामयाब हो पाएंगे इफ यू लिसन द लेक्चर प्रॉपरली एंड कंप्लीटली, क्योंकि अदरवाइज आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं पता चलेंगे. नाउ सॉरी, कम टू द टॉपिक, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब जो मंडल कमीशन था वो किससे रिलेटेड है, बैकवर्ड क्लासेस से, ओबीसी से. अब ये पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो ओबीसी का इश्यू है, ये कब शुरू हुआ. One long development of this period was the rise of other backward classes as a political force. OBC or community, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि OBC का मतलब क्या है. What do you understand? It can come as an one mark question. What do you understand by OBCs? Or explain the meaning of OBCs or give definitions of OBC. And in any form the question can come. OBCs are the communities. क्या है ये, एक ऐसी कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है, अदर देन एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, सो एज वी ऑल नो वेरी वेल, अलग है. इनके अलावा तीसरी एक और कम्युनिटी है, दैट इज ओबीसी, हु सफर फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस. जो किससे सफर कर रहे हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस से और सोशल बैकवर्डनेस से, एट दैट टाइम, नॉट नाउ. These are also referred as backward classes. इन्हीं को ही इनका दूसरा नाम, जो ये OBCs हैं, these are also known as the backward castes, right? So again, one more question can come कि what's the another name of backward classes? That is backward caste, right? अब हम बात करते हैं मंडल implemented कि मंडल जो लागू हुआ था, actual में मंडल commission क्या था, मंडल issue क्या था. मंडल कमीशन वॉज सेटअप बाय द जनता गवर्नमेंट ऑन जनवरी 1979. फर्स्ट जन 1979 को जनता गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था. इट मीन्स अगेन, यहाँ भी आपका एक वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि 1979 में विच गवर्नमेंट वॉज देयर इन इंडिया. इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट थी, किसकी कौन सी रूलिंग पार्टी थी, तो किसकी रूलिंग पार्टी थी, जनता गवर्नमेंट वॉज देयर. इट वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. एट दैट टाइम बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन था, बीपी मंडल. और उन्हीं को ही, जो ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्हीं को ही मंडल कमीशन का हेड बनाया गया. द मंडल कमीशन वॉज सेटअप टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया डिफाइनिंग द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. जो मंडल कमीशन था, एस्टैब्लिश किस लिए किया गया था, कि जो ये बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके बारे में हमने ये ऊपर बात की, ओबीसी और अदर नेम इज बैकवर्ड क्लासेस, तो ये बैकवर्ड क्लासेस का सोशली और एजुकेशनली
क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए कि क्या लेवल है उनका सोसाइटी में या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या लेवल है, स्टेटस क्या है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये मंडल कमीशन बनाया गया था। देन अगेन इन दैट द क्वेश्चन कैन कम व्हाई मंडल कमीशन वाज सेट अप, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था। सो इट वॉज रिकमेंडेड नेसेसरी मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को एक काम क्या दिया गया था कि इसने सारी वेरिफिकेशन करने के बाद ये बताना है कि इन बैकवर्ड क्लासेस जो कि ओबीसी थे इनकी इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी एडवांसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, क्या तरीके हैं जिनसे इन्हें सोशली और एजुकेशनली इनको अपलिफ्ट किया जा सके। इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन, इनसे ये जो मंडल कमीशन था इससे ये भी उम्मीद की जा रही थी कि ये भी कहा गया कि ये एक रिकमेंडेशंस भी दे कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन ऑन वेज इन विच दिस बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड कि क्या तरीके अपनाए जाए, इसके बारे में भी वो रिकमेंडेशंस दे, सजेशंस दे कि कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे कि बैकवर्डनेस को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980 में इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, लेकिन जब ये रिकमेंडेशन आई तब तक जनता गवर्नमेंट जो थी हैड फॉलन, यानी जनता पार्टी जो जनता रूलिंग पार्टी थी वो उनकी जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी, राइट। इन अगस्त 1990, अब 80 से लेकर 90 तक मंडल कमीशन जो मंडल इशू था वो बिल्कुल साइलेंट रहा। ऑल ऑफ सडन इन अगस्त 1990 मंडल इश्यू स्टार्टेड विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई 1990 में वीपी सिंह की लीडरशिप में, तो उस समय में मंडल कमीशन एकदम से फिर से ये इशू, ये मुद्दा जो था दोबारा से हाईलाइट हो गया। किस चीज को लेकर हुआ? डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस लीडिंग टू द वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन कंट्री बिटवीन सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। अब मंडल कमीशन जो रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन की कि जो ये ओबीसी क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए। वो जो रिजर्वेशन वाला इश्यू था, रिजर्वेशन वाली जो रिकमेंडेशन थी उसको अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। जैसे ही ये इशू उठा, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, डिसीजन लिया कि इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, पूरे कंट्री में वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। एंटी मंडल प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अगर इससे क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी है वो बिल्कुल पीछे हो जाएगी, राइट। उनके लिए तो कोई रिजर्वेशन बचेगी ही नहीं। सो जनरल पीपल जो थे इससे उन पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा था। दैट इज व्हाई वो जो जनरल पीपल थे दे वर द ओपोनेंट्स, और सपोर्टर्स कौन थे? दोज हु वर गेटिंग द बेनिफिट्स, राइट, ओबीसी क्लासेस। तो इन सपोर्टर्स में और ओपोनेंट्स में जो था आपस में कंट्री में वायलेंट क्लैशेस जो थे वो स्टार्ट हुए। नतीजा क्या हुआ? द पीरियड विटनेस द एमर्जेंस ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मौके का फायदा उठाया गया, एज यूजुअल होता है कि कोई भी ऐसा इशू हो तो पॉलिटिकल पार्टीज उसका बेनिफिट उठाती हैं। सेम हैपेंड एट दैट टाइम। द पीरियड विटनेस द एमर्जेंस ऑफ मेनी पार्टीज दैट सॉट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ओबीसीज एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल्सो रेज्ड अ क्वेश्चन ऑफ द शेयर ऑफ पावर एंजॉयड बाय द ओबीसीज। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एमर्ज हुई, जो किसकी बात कर रही थी कि अगर वो पावर में आएंगी तो किस चीज में देगी ओबीसी को, और भी बेटर एजुकेशन मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, इन पॉलिटिकल पावर आल्सो दे विल गेट, राइट। दीज पार्टी क्लेम्ड, अब ये जो पार्टी जो नई उभर कर सामने आई थी, एमर्ज हुई थी, इन पार्टीज ने क्या क्लेम किया? दैट सिंस ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि बहुत सारा पार्ट जो है ओबीसीज जो है सोसाइटी में काफी सारे हैं, लार्ज सेगमेंट है, तो इट वॉज ओनली डेमोक्रेटिक
that the OBCs should get adequate representation in administration and have their due share of political power. इसीलिए ये जो new political parties emerge हुई थी, इनका ये कहना था क्योंकि OBCs society का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ऐसे में इनको भी, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पावर में भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. देन द 1980 आल्सो सॉ अब नेक्स्ट पॉलिटिकल फॉलआउट्स. अब इन सब का अफेक्ट क्या पड़ा, 1980 आल्सो सॉ द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित. एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट हो गई. वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, दलित ऑर्गेनाइजेशन. In 1978, backward and minority community employees federation was formed. आजकल जो हम सुनते हैं BEMSEF, ये क्या है, what's the full form of BEMSEF? That is backward and minority communities employees federation, right? B for backward, A for and, M for minority, C for communities, E for employees and F for फेडरेशन. तो ये BEMSEF कब बना था, इन 1978 में. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये पहले जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ट्रेड यूनियन नहीं थी. इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन. इन्होंने 1980s में जब ये सारा मतलब मंडल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस की जब बात हो रही थी, जब इसको बनाया गया था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो इन्होंने किसकी फेवर में स्टैंड लेना शुरू कर दिया, कौन सी कम्युनिटी की बात करनी शुरू कर दी, दैट वॉज बहुजन. बहुजन में कौन आते थे, SC, ST एंड OBCs एंड ऑल मिनोरिटीज. जितनी भी मिनोरिटी क्लासेस थी, OBCs, SC और ST, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं, दीज ऑल आर नोन एज बहुजन. इट कैन कम कि विच कैटेगरीज कम अंडर द बहुजन या इंक्लूडेड अंडर बहुजन. तो कौन सी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड होती हैं, दैट इज SC, ST, OBCs एंड ऑल मिनोरिटी कैटेगरीज, मिनोरिटी क्लासेस. द दलित शहीद समिति एंड लेटर द बहुजन समाज पार्टी, जो आज BSP है, जिसकी एट प्रेजेंट लीडर मायावती हैं. तो बहुजन समाज पार्टी जो था, ये पहले किस नाम से जानी जाती थी, इट वॉज नोन एज दलित शोषित समिति के नाम से इसे जाना जाता था. इट कैन अगेन कम एज वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट्स द प्रीवियस नेम ऑफ BSP, बहुजन समाज पार्टी का पहले नाम क्या था, तो इट वॉज दलित शोषित समिति. अब इसका हेड कौन था, emerged under the leadership of Kanshiram. The BSP began as a small party. Starting में जब Kanshiram की leadership में ये party बनी थी, उस समय की ये छोटी सी party थी. Largely supported by Dalit voters. ये कहाँ पर थे, दलित लोग इसकी फेवर में थे, वोटर्स थे. और ये किन किन एरियाज में इमर्ज हुई थी, मतलब किस किस एरिया में इसको सपोर्ट मिलता था, दैट वॉज इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. Right? In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other. कभी कभी इंडिया के बहुत सारे parts में क्या होता है कि जो दलित politics है और एक OBC politics है, इन दोनों ही जो अलग अलग parties जो emerge हुई थी, नहीं नहीं कुछ OBCs की favor कर रही थी, कुछ दलित की बात कर रही थी, कुछ SC के बारे में, अब दलित के बारे में बात कर, कुछ SC, कुछ ST, मतलब ये अलग अलग जितनी भी अलग अलग पार्टी से जो इनमें से किसी न किसी एक, मतलब किसी एक बहुजन को उठा रही थी, एक पार्ट, एक सोसाइटी की एक और पार्ट को उठा रहे थे, एक ग्रुप को उठा रहे थे, उनमें कभी कभी आपस में ही कॉम्पिटिशन हो जाता था, क्योंकि वो सभी इनकी वोट्स जो थे वो अपनी तरफ करना चाहते थे. तो इट लेड टू द कॉम्पिटिशन विद each other, right? So this was about the Mandal Commission as well as other political parties जो कि OBCs के लिए, OBC के नाम पर या Dalits के नाम पर या बहुजन के नाम पर develop हुई थी. Now it's the time for the quick recap. अब हमारा समय है कि whatever we have discussed उसको revise किया जाए. One more thing, this revision, this quick recap is for your self-assessment. आपको खुद को ये देखना है कि इधर यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस और नॉट. इफ नो, देन
यू हैव टू सी द लेक्चर अगेन, ध्यान से सुनेंगे एवरी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर इज गिवन इन द लेक्चर. मैं आपको जब हमने इसको डिस्कस किए तो मीनवाइल इसके हर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आई टोल्ड यू कि इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, सो लिसन इट अगेन सो दैट यू मस्ट बी एबल टू प्रिपेयर योर वन मार्क क्वेश्चंस. नाउ कम क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हेन वाज मंडल इशू रेज इन इंडियन पॉलिटिक्स. जो मंडल इशू था वो भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में कब शुरू हुआ, कब उठा? 1989 टू 90 के बीच में, 1988 टू 89 के बीच में, 1999 और 1979. सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ईयर डिड द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड एट द सेंटर, सॉरी फ्रॉम व्हिच ईयर डिड द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर बिगिन इन इंडिया. कब से कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था? दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर आल्सो. 1979, 88, 89 और 1999. व्हेन मंडल कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन. मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस कब दी थी? इन 1978, 79, 80 और इन 1990. व्हिच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन 1990? 1990 में कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी सरकार थी, रूलिंग पार्टी कौन सी थी जिसने मंडल कमीशन की जो एक रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन वाली, उसको लागू करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया था? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. ऑल दिस वॉज रिगार्डिंग द रिकैप. होपफुली you must be able to give all these answers. All this is about our today's lecture. Thank you.